अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, मैं आपके उर्दू टीचर नाही दस्कर। आज हमने एक छोटा सा काम करना है। हमने लाम मीम नून को पढ़ा, लाम मीम नून वाव पढ़ लिया हमने। आपको इनकी शक्ल भी याद होगी, इसकी छोटी अशकाल भी याद है। ये छोटी सी एक मशक है जो आप मेरे साथ करेंगे। लाम लिखा हुआ नज़र आ रहा है, इसमें आपने पेंसिल फेरनी है। पहले सुर्ख नुक्ते से लेकर नीचे सारे नुक्तों तक लाएं, तमाम नुक्तों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? ला लाम। सारे नुक्तों को आपने आपस में मिलाना है, आगे भी लाम की इसी तरह से, और फिर इनमें रंग भी भरने हैं ताकि ये खूबसूरत लगे। लाम के बाद क्या आता है? नीम। नीम को बनाएं सुर्ख नुक्ते से काले नुक्ते की तरफ और आगे नीचे तक लेकर आएं। ये लाइन से नीचे की तरफ आ जाता है, ये आपने याद रखना है। नीम को सारे नुक्तों को मिलाएं और इनमें रंग भी भरें ताकि ये खूबसूरत लगें। लाम में अलग रंग भर दें, नीम में अलग रंग भर दें, जैसे आपका दिल चाहता है वैसे रंग भरें ताकि वो और खूबसूरत लगे। लाम नीम, आगे है जी नून। नून को तो लिखना बहुत आसान है, सिर्फ नुक्ते से नीचे की तरफ लाएं, सारे नुक्तों को मिलाएं और इसकी अलामत क्या है? दरमियान में एक नुक्ता। इसकी अलामत को नहीं भूलना आपने, दरमियान में नुक्ता ज़रूर लगाना है। नून सारे आप लिखें, सारे नुक्तों के साथ मिलाएं, सबके अंदर रंग भरना है और ये रंग भर के कितने खूबसूरत लगेंगे। लाम मीम नून भी लिख लिया, आगे है जी वाव। वा वर्क। वाव बहुत आसान है लिखना, रे की शक्ल की तरह से होता है, ऊपर थोड़ा सा इसको गोल करते हैं। सिर्फ नुक्ते से नहीं मिलाना शुरू करें, सारे नुक्तों तक लाएं। ये सारे नुक्ते जब आप मिला लेंगे, आगे भी वाव जितने भी लिखे हुए हैं इन सबको मुकम्मल करके फिर इनमें रंग भरें ताकि आपके ये सारे हरूफ बहुत खूबसूरत लगें। आज आपने कितने मज़े से लाम मीम नून और वाव को लिखा और फिर उनमें रंग भर के उनको खूबसूरत बनाया। आज का हमारा काम यहीं पे ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह अगले सबक के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।